हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 19.1। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 के तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि 22 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन 22 कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3/2 प्लस 2e^x माइनस 1/x इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बता चुके हैं कि एक एक करके सबका करना है, जब भी प्लस या माइनस में दिया हुआ है एक एक करके सबका इंटीग्रेशन करते चलेंगे। तो हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3/2 इंटू dx प्लस 2, जो भी कांस्टेंट हो उसको बाहर कर लें, तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e^x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। ठीक है, ये देखिए पावर वाला है। तो फ्रेंड्स, हम फॉर्मूला बता चुके हैं, एक्स के पावर एन इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट में सी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अब हम फॉर्मूला बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 प्लस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, ई के पावर एक्स होता है, तो यहाँ ई के पावर एक्स हो जाएगा और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx होता है लॉग मॉड x प्लस सी। तो यहाँ कर सकते हैं लॉग मॉड x और सबका इंटीग्रेशन आ गया, तो अब कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, बेसिक फार्मूला याद करते चलना है, जिस तरह बेसिक फार्मूला यूज होगा उस तरह हम बताते चलेंगे। तो ये सभी बेसिक फार्मूला हम कंप्लीट करा चुके हैं, एक फर्स्ट जो फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट जो आया हुआ है उसमें बेसिक फार्मूला आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 3/2 प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2। ठीक है, एक्स के पावर 5/2 और बटा में हो जाएगा 5/2 प्लस 2e के पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स। ठीक है, और प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 एक्स के पावर 5/2 बटा 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 2e के पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स इरेज। तो चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 23 नंबर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हो जाए 2 और x² तो पावर वाला है, तो एक्स के पावर 2+1 बटा 2+1 प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हैं उसमें हम लोग बताए हैं तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट हो गया सी। तो देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 और 1 3 और बटा में 3 प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। तो ये देखिए, और आगे चलें तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, जो कि राइट आंसर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। जो जिनको भी नोट करना हो नोटबुक पे, तो फ्रेंड्स वो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो
आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स, और ये हो गया इंटीग्रेशन, और प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो फ्रेंड्स चलते हैं 25 की तरफ, तो अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं और इसको अब 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3d साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इससे दोनों जो टर्म है इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 वो और 1 बटा कॉस स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर, यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 और एक कॉस लेंगे साइन बटा कॉस, तो हो जाएगा 10, फिर 1 बटा कॉस लेंगे तो हो जाएगा सेक, तो यानी कि 3 10 एक्स इंटू सेक एक्स और इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, अगर नहीं आया तो आप देख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इसको कैसे तुने, तो हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स और इंटू 1 बटा कॉस एक्स, ठीक है। देखिए आ गया ना, साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो तो साइन एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स से कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स बटा कॉस एक्स 10 एक्स और 1 बटा कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, तो अब एक एक करके इंटीग्रेशन करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कॉन्स्टेंट के रूप में 2 है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू 10 एक्स का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए कर लेते हैं 2 और सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स आपको बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन वो होता है फ्रेंड्स 10 एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू 10 एक्स माइनस 3 और सेक एक्स इंटू 10 एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो हो जाएगा 3 इंटू सेक एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, तो हो गया फ्रेंड्स ये 25 कंप्लीट। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ये जो कोसेक एक्स है इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब करना है क्या है फ्रेंड्स, एक एक करके इंटीग्रेशन करना है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स इंटू डी एक्स, तो हो जाए फ्रेंड्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट एड कर देते हैं, हो गया फ्रेंड्स ये सोल्यूशन 26 का। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं 27 की तरफ, तो चलिए इसको अब इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया इरेज। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर चल रहा है 19.1 है, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब हम लोग 27 की तरफ चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10 एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो बस नेक्स्ट जो हम लोग अभी जस्ट अगला क्वेश्चन बनाया है उसी तरह है, तो सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10 एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक एक करके इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10 एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है 10 एक्स, तो हो जाएगा 10 एक्स
और प्लस sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है। आपको ये बेसिक फार्मूले फर्स्ट क्लास में बता दिए गए हैं, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या बुक में मिल जाएगा आपको। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो फ्रेंड्स ये हो गया 27 कंप्लीट। अब हमको चलेंगे फ्रेंड्स 28 के तरफ। तो चलिए देखते हैं कि 28 जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर एक्स है बट्टा में ये एक एक करके दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हम डायरेक्टली यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, देखिए साइन बट्टा जो कॉस बनेगा वो हो जाएगा 10x और यहाँ देखिए इंटू में 1 है तो 1 बट्टा कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स इधर दे चुके हैं हम ब्रैकेट, तो हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए हैं जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप। चलिए अब एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ टेन एक्स इंटू सेक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स दोनों बात वही है। तो चलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टेन एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स सेक एक्स। तो माइनस पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो फ्रेंड्स आपका 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 29 के तरफ। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक एक करके क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जाए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है 10x तो हो जाएगा 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। तो फ्रेंड्स आपका 29 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि 30 नंबर जो है 30 नंबर क्वेश्चन है कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e3x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, एक एक करके कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स प्रोसेस सब आप जान चुके हैं, अब आप सेल्फ आप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, लेकिन हमको तो सब कराना पड़ेगा क्योंकि कोई स्टूडेंट तेज भी होते हैं, कोई स्टूडेंट वीक भी होते हैं, तो सबके लिए हमको इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा साइन 2x इंटू डी एक्स और माइनस 4, देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e3x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन 2x, तो फ्रेंड्स सबको हम बताए हैं साइन mx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस। ठीक है, तो माइनस कॉस एम एक्स और बटा में जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो एम से डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस में एम होगा यहाँ माइनस एम एक्स होगा, माइनस टू एक्स का इस तरह जो भी हो माइनस में होगा तो माइनस से डिवाइड करेंगे, जो इस तरह होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 2x और बट्टा में आ जाएगा 2 क्योंकि एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और e^mx। तो ये भी बता चुके हैं e^mx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^mx का होता है e^mx और बट्टा में m x के साथ मल्टीप्लाई है तो m प्लस सी, तो हो जाएगा e^3x और बट्टा 3a+c। तो फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 कम्प्लीट। तो चलिए हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x और माइनस 4 बाई
थ्री ई के पावर 3x+c जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3cos(x+e)x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना था कैसे करेंगे, देखिए टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स टू और एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर वन है तो एक जोड़ देंगे तो टू हो जाएगा और बटा टू माइनस थ्री। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 31 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। तो चलिए देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 sin x प्लस 5√x इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करें। देखिए टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा और रूट एक्स है तो इसके पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है हो जाएगा टू। और देखिए यहाँ पावर टू है एक एड होगा तो थ्री हो जाएगा यानी कि एक्स क्यू बटा थ्री माइनस थ्री साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस 5 एक्स के पावर 1/2 इसमें जोड़ देंगे 1 और फिर उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस कॉन्स्टेंट। तो देखिए ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यू माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा तो 3cos(x+5) इंटू एक्स के पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3/2 और बटा 3/2 और प्लस सी। तो आ जाए फ्रेंड्स 2/3 एक्स क्यू प्लस 3cos(x) और प्लस ये देखिए ऊपर चला जाए तो 2 × 5 = 10 यानी मल्टीप्लाई हो जाए 2 × 5 = 10/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 32 नंबर है। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का 1। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 33 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 5cos(x - 4sin x + 1/cos²x)dx, ठीक है इसका इंटीग्रेशन निकालना। चलिए निकालते हैं कॉन्स्टेंट है 5 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos²x होता है फ्रेंड्स टेंथ में पढ़ चुके होंगे sec²x होता है, ठीक है तो sec²x(dx). चलिए इंटीग्रेशन करते हैं 5cos(x) का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स माइनस कॉस एक्स प्लस sec²x। तो sec²x का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स 10x और प्लस कॉन्स्टेंट यानी सी। तो देखिए यहाँ इसको सबको मल्टीप्लाई करके एक रो मतलब एक तरह से लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं तो 5sin(x) देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4cos(x) प्लस 10x प्लस सी जो कि राइट आंसर आ चुका है हम लोग का। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 33 का क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 33 का 2 नंबर जो है क्वेश्चन वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x बटा 1 - 2sin²x इंटू cos²x इंटू dx, ठीक है।
तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो साइन के पावर 8 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स साइन के पावर 4x का स्क्वायर, और माइनस इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कॉस के पावर 4x का स्क्वायर, और बटन इसको इसी तरह ले चलते हैं 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये देखिए जब इसको पावर में है तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ए के पावर एम और फिर इसका पावर एन, तो आता है फ्रेंड्स ए के पावर एम है, तो ये साइन के पावर 4x इंटू 4x और इसका पावर 2, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4 इंटू 2, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एन, तो साइन के पावर 8x आ जाएगा, 4 × 8 आ जाएगा ना, तो क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं, तो देखिए हो गया है ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फ्रेंड्स ये फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस पर रख देते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x बटा 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और आगे चलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स और आगे देखते हैं कि कैसे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स जो साइन के पावर 4x और प्लस कॉस के पावर 4x है। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू यह आ जाएगा इंटू साइन के पावर 4x, तो फिर इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और बटा में आ जाएगा ये 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम ये डायरेक्टली कैसे तोड़े हैं, तो देखिए फ्रेंड्स फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैसे हुआ, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, तो इसको अगर अगर चाहें तो आपको ये शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का फार्मूला जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर तोड़ेंगे तो देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -2ab, तो 2ab और -2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए याद आ रहा है, तो इसी को हम वहाँ फार्मूला के रूप में लिखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब तो क्लियर हो गए होंगे, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया है, तो चलिए इसमें से हम क्या करते हैं कि ये जो है दो पार्ट इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, चलिए इसको इरेज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स और आगे चलते हैं, तो देखिए अब और आगे चलने पर क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1-, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज अब कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ कटने के लिए दिखाई दे रहा होगा ये 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बच जाएगा ये, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो 1 इंटू आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे चलते हैं तो आ जाएगा माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब और आगे चलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स आ जाएगा हम लोग का, इसको यहाँ से इरेज अब कर लेते हैं, रहने देते हैं अभी और जगह है, तो देखिए यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है फ्रेंड्स कॉस 2x, तो माइनस, और ये हो जाएगा
कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये आप इलेवेंथ में पढ़े होंगे। और कॉस टू एक्स तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स साइन, तो हो जाएगा साइन और टू एक्स, और टू एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई है तो ये आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 33 का क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।